चिल्ड्रन लेसन फोर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013 में आज हम 43 पेज पे पढ़ेंगे चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड कलर। फॉन्ट के साइज को कैसे चेंज किया जाता है और उसके कलर को कैसे चेंज किया जाता है ये हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ सिमिलर वे। आप जैसे आपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज किया था वैसे ही आप उसकी साइज को और उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप वन सेलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप टू क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। स्टेप थ्री क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट साइज बॉक्स एंड चूज अ साइज। स्टेप फोर फ्रॉम द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस। इसमें क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप पे आप जो भी लिखे रहेंगे उसको आपको पहले सेलेक्ट करना होगा जो भी टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद जो ये रिबन एरिया है आपको मैंने बताया है कि ये रिबन एरिया है इस रिबन एरिया में हम कहाँ जाएंगे होम पर जाएंगे। होम में आपका ये फॉन्ट ग्रुप ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम फॉन्ट में हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसकी साइज़ है जो कि 11 है और डिफ़ॉल्ट केस में आपकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपका कैलिबरी और साइज़ 11 ही होता है एम एस वर्ड 2013 में। उसके बाद हमें चेंज करना है तो हमें अगर चेंज करना तो यहाँ लिखा है जोकर मैन हमें इसमें आपको इस फॉन्ट को चेंज करना है तो सेलेक्टेड फॉन्ट को जब हम इस पे करेंगे तो ये फॉन्ट इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। ओके तो हम ये करके देखते हैं के क्लास। देखिए आप देखेंगे कि ये आपका ये कैलिबरी है और 11 है आपका फॉन्ट और आप लिखे हैं आपने फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2013। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है पहले ये सेलेक्टेड है ये ठीक है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे फॉन्ट के फॉन्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमें अभी क्या चेंज करना है इसका वो लिखा हुआ है जोकर मैन तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका है ये ठीक है। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया आपका ये देखिए ये आपका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ पे हमने क्या लगाया है होम पर देखेंगे हम क्लिक करके कि हमने क्या लगाया है जोकर में और 11 इसकी साइज़ है तो ये आपका ये चेंज हो गया। ओके अब इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इसके कलर को भी चेंज करेंगे। कलर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे कलर को चेंज करने के लिए हम इसी होम टैब पे जा कर के और कहाँ जाएंगे हम जाएंगे फॉन्ट यहाँ पर फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को जब हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ से जब हमने फॉन्ट को क्लिक किया तो आपके ये कलर्स आ गए। आपको जो यहाँ से कलर चूज़ करना है वो आप कलर ले सकते हैं। हमने ये कलर चूज़ किया तो ये आपका जो आपका ये फॉन्ट था वो किस कलर में चेंज हुआ रेड कलर में। ओके इस तरीके से हम इसके फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज करते हैं और फॉन्ट के कलर को भी चेंज करते हैं। ओके क्लास थैंक यू।